हम लोग बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं बिकॉज हम लोग निकल रहे हैं एक छोटा सा ट्रिप पे, चलते हैं फिर। We feel the same, we love what we hate. हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ब्लॉग एंड हम लोग बहुत ही इन्जॉय करने वाले हैं बिकॉज हम लोग निकल रहे हैं एक छोटा सा ट्रिप पे, तो मैं आज आप लोग को सारी चीज़ें घुमाऊँगी। चलिए चलते हैं फिर। देख सकते हैं हमने एक बैग खाना पैक कर लिया है ताकि आज का लंच डिनर और कल सुबह का ब्रेकफास्ट भी हम लोग का हो जाए, इस कोरोना में बीच में कहीं रुक के कुछ खाना ना पड़े, तो सेफ्टी लेके हम लोग चल रहे हैं। ये ड्राइविंग करके अभी हम लोग जो है वो राजनगर स्टेशन इन कर चुके हैं। तो ये तुम गाड़ी क्यों रुक दिया? तो हम लोग के साथ आप लोग भी जो है वर्चुअल टूर में केदारनाथ की यात्रा एंड बद्रीनाथ की यात्रा कीजिए, एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। दिन के 3 बज रहे हैं और हमारा लंच जो है स्टार्ट हो चुका है, हमने सैंडविच लाइट सैंडविच बनाया है और हम लोग वही खाते हुए निकल रहे हैं, इससे हमारा पेट भी भर जाएगा, हेल्दी भी है, तो नो इश्यूज, ड्राइविंग में भी कम्फर्टेबल है। खाना खा लिया है और फिर से ड्राइविंग सीट पे स्टीयरिंग को थाम लिया है और अब इस केस के लिए फिर से निकल गए हम लोग। ये हमारा बॉडी बिल्डर भाई है और ये मोस्ट बैचलर घर का है। फाइनली गाइस आप लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, यहाँ देख सकते हो ये अपने कपड़े में लगे पड़े हैं, क्या पहनूं, थोड़ा थोड़ा ठंड लग रही है ऋषिकेश में, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम गाड़ी चला चला के फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ से कल हम लोग बद्रीनाथ की तरफ मूव हो रहे हैं। हाय तो करो। हेलो, ये हमारा होटल रूम है, पूरा सैनिटाइज्ड है, हम लोगों ने करवाया अपनी आंखों के सामने और पहले से भी ऐसा बोल रहे थे कि पहले से भी है बट हम लोगों ने भी करवाया है एंड काफी क्लीन है, देख सकते हैं बहुत क्लीन रखा है और इसी चीज से मैं खुश हुई हूँ कि अभी ना क्लीन रहना बहुत जरूरी है, देख सकते हो। और अभी हम लोग का जो डिनर है वो हम लोग साथ में ही कैरी करके लाए हैं तो हम लोग का डिनर का काम चल जाएगा। कल सुबह से देखेंगे क्या करना है, कल आई थिंक ब्रेकफास्ट भी काम चलना है, चल ही जाएगा बट उसके बाद देखते हैं क्या करना है, उसके बाद तो नहीं है अपने पास। नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, गाइस सुबह के 7 बज चुके हैं और जैसा कि आपको लग रहा है थोड़ा थोड़ा धूप भी निकल रहा है और अब हम लोग फाइनली रेडी हैं बद्रीनाथ निकलने को एंड आज हम लोग का आई थिंक रास्ते में ही हम लोग रह जाएंगे बिकॉज पहाड़ चढ़ना है तो यू नो ना कि स्लो चलती है गाड़ी पहाड़ों पे, तो आज हम लोग सिर्फ पहाड़ों के बीच घूमने वाले हैं और बद्रीनाथ की दर्शन जो है हम लोग कल करेंगे तो हम आप लोगों को वो भी दिखाएंगे और विज़िट कराएंगे जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा, मुझे नहीं पता कहाँ तक पॉसिबल बट हम आप लोगों को ज़रूर घुमाएंगे दिखाएंगे। और आज है हम लोग पहाड़ों के बीच जो है मस्ती करने वाले हैं तो अब हम लोग चलेंगे बद्रीनाथ की तरफ, तो आइए अब हम चलते हैं। रेडी हो गए? अभी रुक जाए ना थोड़ा सा, उसके बाद भैया। क्या भैया?
तौलियों सबके ऊपर बिछाओ, ड्राइवर स्टार्ट करें, तौलियों सही से छाप, ड्राइवर साहब यस यस यस, तौलियों को सही से बिछा दो ना, छुपने के लिए बिछ तो गया भैया, बिछा के गया है इसलिए है, बट कंट्रोल में नहीं है घूमना। सबका पेट पार हो गया है, सब ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, ये तुम्हारे डाउन कर दे, बट फिर भी आप देख सकते हो कुकीज वगैरह साथ में लेके चल रहे हैं, साथ में नहीं लेके चल रहे हैं, इनफैक्ट खाते हुए चल रहे हैं, बिना खाए पिए हनुमान जी है रोहित, क्या भूख तो लग जाती है, चले इनकी इनकी मीटिंग गाड़ी में शिफ्ट है, ये मीटिंग करने वाले हैं अभी, देखो सूट वगैरह लगा के, अभी टाई भी लगाएंगे कुछ देर बाद। और ड्राइवर जी होपफुली मोबाइल नेटवर्क कनेक्टेड है, बढ़िया चल रहा है सर, चलिए चश्मा हम निकाले नहीं थे। ओके गाइस, फिर हम लोग आज मस्ती करने वाले हैं पहाड़ों के बीच में, देख सकते हैं कि अभी पुल का निर्माण का कार्य जो है वो प्रोग्रेस में है, तो गवर्नमेंट जो है वो रोड का काम करवा रही है, इसी वजह से जो है कभी कभी यहाँ जाम भी लग जाता है, और थोड़ी सी अभी जो है सुविधा भी होती है बद्रीनाथ और केदारनाथ तक पहुँचने में, लेकिन जैसे ही ये रोड एक बार बनकर के रेडी हो जाएगी, कम्प्लीट हो जाएगी, तब जो है और सुगमतापूर्वक जो है वो लोग पहुँच सकते हैं। रोड का काम जो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और बहुत जल्द जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की कितनी लंबी लाइन जो है वो पीछे लगी हुई है, अभी हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही रास्ता खुलेगा फिर हम आगे बद्रीनाथ की ओर जो है प्रस्थान करेंगे। तो अब हमारा जाम जो है वो खुल चुका है और हम आगे बद्रीनाथ के लिए निकल चुके हैं। हम लोग ऋषिकेश से चले थे और ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुँचने में जो है वो 14-15 घंटे का समय लगता है, क्योंकि अभी जो है वो रोड का भी काम जो है वो प्रोग्रेस में है, तो कई जगह पर पहाड़ों की कटाई जो है वो होती है, इस वजह से जो है गाड़ियों को रोक दिया जाता है आधे घंटे एक घंटे के लिए जो है। तो हम लोग अब निकल चुके हैं बद्रीनाथ के लिए और हम लोग ऑन द वे हैं, और हम लोग जो है वो आपके साथ हर चीज़ जो है वो शेयर करते जा रहे हैं, दिखाते चल रहे हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि रास्ता काफ़ी संकरा है, तो गाड़ी को काफ़ी सावधानी पूर्वक जो है वो चलाना पड़ता है। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज 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 इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें ताकि मैं आपके साथ आगे के भी रास्ते और आगे की भी चीजें आपके साथ मैं शेयर कर सकूं।
कुमारी माता देवी के मंदिर पे पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि केदारनाथ में अचानक बाढ़ का कारण जो है वो धारी माता का विस्थापन रहा है। दरअसल उत्तराखंड से 15 किलोमीटर दूर कालियासुर नामक स्थान में धारी देवी का मंदिर है। मानता है कि उनकी वहां स्थापना उत्तराखंड की रक्षा के लिए हुआ है, मगर जून 2013 के दिन ही सरकारी काम के चलते मूर्ति को थोड़ी देर के लिए वहां से हटाया गया था। लोगों का मानना है कि मूर्ति के हटने के कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ में भारी तबाही मची थी। यहां से बद्रीनाथ के लिए निकल रहे हैं। ये देखिए कितना संकरा रास्ता है और आगे ब्लाइंड टर्न भी है, तो ऐसे जगह पर कृपया सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए और ब्लाइंड टर्न पर हॉर्न तो हमेशा ही प्रेस करना चाहिए। अभी हम लोग जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए निकल चुके हैं। जोशीमठ से जो बद्रीनाथ की दूरी है वो 45 किलोमीटर के आसपास है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जोशीमठ से जो बद्रीनाथ का रास्ता है वो भी काफी खराब है और रात के 7:30 बज चुके हैं और हमारे पीछे और आगे भी दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। आने के बाद यहाँ दो लोग जो है वो बाइक पे नजर आए हैं। फाइनली हम लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हो कितनी ठंड है, मैंने पूरा पैक कर लिया खुद को एंड यहाँ पे बहुत ठंड है। अब हम लोग जाने वाले हैं मंदिर एंड सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं और हमारे ग्रुप यहाँ पे हैं। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, -7 था सुबह सुबह और हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। देखते हैं हम लोग जो है आप लोग को कहाँ तक दिखा पाते हैं, जहाँ तक मोबाइल अलाउड होगा वहाँ तक आप लोग को जरूर दिखाएंगे। ठीक है, फिर चलिए चलते हैं। जय बद्रीनाथ, जय बाबा बद्रीनाथ। हम लोग निकल रहे हैं, बहुत ठंड है, धूप भी है बट ठंड भी बहुत है। यहाँ सर है हमारे मंकी कैप एकदम लगा ली गई, कहीं से भी ठंडा ना घुसे। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन ठंड बहुत है। रात को -4 दिखा रहा था मैप ये गूगल पे, बट -7 फील हो रहा था। और वैसे टेक्निकली होना भी चाहिए, ऑफिशियली ये लास्ट फेमस प्लेस है। इसके पास एक विलेज है माना विलेज, जो कि आखिरी विलेज होता है इंडिया का। उसके बाद 24 किलोमीटर का गैप है, फिर भारत इंडिया का चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो हम लोग मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे दुकान जो है लगाए रखता है, जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं, मालाएं सिंदूर वगैरह ये सब मिलता है। और हम लोग जहाँ पे स्टे किए हैं वहाँ से बस 200 मीटर पे ही मंदिर है, तो ज्यादा दूर नहीं पड़ा आने में, बहुत ही कम्फर्टेबल लगा आने में। तो हम लोग बद्रीनाथ मंदिर पहुँच चुके हैं। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यहाँ इनको बद्री विशाल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर विष्णु जी के बद्री नारायण रूप की पूजा होती है और यह अलकनंदा नदी के किनारे जो है मंदिर बसा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ अलकनंदा नदी जो है वो बह रही है। देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ों के बीच में नजारा है, ये देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़ है। ठंड के मौसम में यहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो जाती है, तो बद्री विशाल जी को जोशी मठ में नीचे ले जाया जाता है। यहाँ तक हम आप लोगों को दिखा पाए क्योंकि हम लोग यहाँ तक मोबाइल ला पाए। आई थिंक ऊपर थोड़ा सा जाएगा, उसके बाद मोबाइल अलाउड नहीं है। जय बद्रीनाथ। तो देख लेते हैं कहाँ तक मैं आप लोगों को दिखा पाती हूँ। मंदिर के करीब तक काफी आप लोगों को दिखा पा रहा मैंने। मैंने प्रसाद ही ले लिया है एंड तुलसी की माला। मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। भक्तों का लाइन देख सकते हो।
बद्री विशाल के दर्शन के लिए लाइन में लगने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग की भीड़ ज्यादा नहीं है क्योंकि हम लोग ऑफ सीजन में आए हैं, तो यहाँ थोड़ा मोड़ा भीड़ है और हम लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं कोरोना की वजह से। और ये मंदिर का जो है एंट्री गेट है, तो अब हम लोग यहीं तक जो है आपको दिखा सकते हैं, इसके आगे कैमरा अलाउ नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच।